गाइज वेलकम टू माई चैनल और फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा और मेरे चैनल पर स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहनाज हुसैन एक जाना माना नाम है, सबको ये नाम मालूम है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट है, इनके बहुत सारे ऐसे ब्यूटी टिप्स है जो आज भी बहुत सारे पार्लर वाले या बहुत सारे उमर्स गर्ल्स फॉलो करती है और उनमें से मैं एक हूँ। इनके जो ब्यूटी टिप्स होते हैं बहुत ही नेचुरल DIY ब्यूटी टिप्स होते हैं, लेकिन इफ़ेक्ट उनका बहुत अच्छा मिलता है। कॉलेज टाइम से मैं इनके ब्यूटी टिप्स फॉलो करती आई हूँ। मैगजीन में भी इनके बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते थे, उनमें ब्यूटी टिप्स हुआ करती थी, तो वो हमेशा मैं यूज़ करती थी। और बहुत सारे ऐसे वुमन है वो भी यूज़ करती थी, आई थिंक अभी भी करती है। इनके प्रोडक्ट कैसे हैं, इनके मीन्स फेस पैक कैसे, हेयर पैक कैसे है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो इनके ख़जाने में से एक फेस पैक मैं निकाल के लाई हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिसे मैं आज भी यूज़ करती हूँ। यूज़ करने के बाद आपकी स्किन हीरे जैसे चमकने लगेगी। जी हाँ, बट वन टाइम से नहीं, कुछ टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी एज 30 या 35+ हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आ जाती है वो भी नहीं दिखेंगी। मीन्स अगर आपकी एज 30 हो तो आप मीन्स 25 के दिखोगे, 35 हो तो 30 के दिखोगे, इतना फ़र्क पड़ जाता है। जी हाँ, DIY रेमेडी से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन्हें आपको कंटिन्यू यूज़ करना पड़ता है। आज लगा लिया, एक महीने बाद लगा लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। रेगुलर आपको इसे यूज़ करना पड़ता है। मैं खुद यूज़ करती हूँ और मुझे इफ़ेक्ट 100% मिलता है। तो चलिए, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं ये फेस पैक आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को करते हम स्टार्ट। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए यहाँ मैं लेने वाली हूँ फर्स्ट बेसन, मीन्स चने का आटा। चने का आटा स्किन टोन को लाइट करता है। आपका स्किन अगर टैन हो चुका है, काला पड़ चुका है, तो उसको लाइट करने के लिए बेसन का आटा बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट यहाँ मैंने डाला है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर अगर आप रखते हो तो थोड़े से इस तरीके से बन ही जाती है, तो आप इस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हो। पिंच हल्दी डाली है, कस्तूरी हल्दी हो तो बहुत बेस्ट, वही आप डालिए, मैंने नॉर्मल डाली है। और नेक्स्ट यहाँ ऐड करने वाली हूँ मैं हनी। हनी बहुत ही अच्छे से आपके दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही में हमने इसमें डाला है थोड़ा सा कर्ड। कर्ड भी आपकी स्किन टोन को निखारता है, जितनी भी आपकी स्किन पे प्रॉब्लम हो उसे दूर करता है। और नेक्स्ट इसमें डाला है मैंने लेमन। लेमन तो टैन रिमूव करने के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। और इस फेस पैक को अच्छे से मिक्स कर लेना है, आपको दूसरा इसमें कुछ भी नहीं डालना है। इसमें हनी है, कर्ड है और लेमन है, इन चीज़ों की वजह से अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाता है। तो एक्स्ट्रा आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे गुलाब जल या दूध, इतना काफ़ी है। और इसी तरीके से हमें फेस पैक चाहिए। थोड़ा सा ये इसी तरीके से होता है, मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, एकदम पतला नहीं हमें चाहिए। अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए और ये इस फेस पैक को आप थोड़ा सा मोटी लेयर में ही लगाएं, मीन्स पतला बिल्कुल नहीं लगाए, मोटी लेयर में लगाएं। और इस फेस पैक से ना ही आपकी स्किन ड्राई होगी, ना ही आपकी स्किन पे दाने आएंगे, रैशेस आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये फेस पैक ऑल टाइप के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। मैं बहुत टाइम से, मीन्स बहुत सालों से इसे यूज़ करती हूँ। वीक में या दो वीक में एक बार तो मैं ज़रूर इसे अप्लाई करती हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, स्किन पे जो टैन आ जाता है, स्किन काली पड़ जाती है, हम कहीं भी जाते हैं और बहुत सारे केमिकल्स ऑलरेडी हमारे स्किन पे होते हैं, मीन्स हम मेकअप करते हैं तो वो हमारे स्किन पे होती है। इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, हमारी स्किन डे बाय डे काली पड़ती जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये फेस पैक बहुत बेस्ट है। आपकी स्किन एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को एकदम मुलायम और चमकदार रखेगा। इसे आप सूखने तक इस तरीके से रख दीजिए। यह मेरा फेस पैक अच्छे से सूख चुका है। आप चाहे तो इसे मसाज कर सकते हैं, थोड़ा सा हाथ पे दूध ले लीजिए या पानी ले लीजिए। मैंने पानी लेके थोड़ा सा मसाज किया है ताकि स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट हो चुके, जो टैन है निकल जाए, काली परत निकल जाए, स्किन डीपली क्लीन हो जाए। और ये इफ़ेक्ट मुझे मिलता है, 100% मिलता है। आप इसे ट्राई करिए। शहनाज हुसैन के जितने भी टिप्स होते हैं, ब्यूटी टिप्स होते हैं, हेयर पैक, फेस पैक अमेजिंग होते हैं। वो पर्सनली मैंने यूज़ किए हैं। आफ्टर फेस वॉश स्किन मेरी बहुत ही अच्छे से मुलायम, चमकदार और क्लीन हो चुकी थी। मुझे इफेक्ट 100% मिला है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको भी मिलेगा।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा जो उनकी ब्यूटी टिप्स थी, उनमें से एक ब्यूटी टिप्स मैंने ट्राई की है, ये फेस पैक बहुत बेस्ट है, आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसे DIY फेस पैक्स है, उनसे उन्हें भी आप चेक कर सकते हो, उनमें से कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलता है, नेचुरल होते हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आपके स्किन के अनुसार आप चुन लीजिए और आप इसे यूज़ करिए। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ और अगर आपको ये फेस पैक अच्छा लगता है तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।